ग्रहण के समय आप ना करें ये काम, नहीं तो उठाना पड़ सकता है आप लोगों को भारी नुकसान। ये जो है ज्योतिष का कहना है कि ग्रहण लगने से पहले जो है 9 घंटा पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, उस समय जो है पृथ्वी पर बुरा असर रहता है, यानी बुरा प्रकोप रहता है। उस समय जो है कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, सभी मंदिर का जो है पाठ को बंद करके रखना चाहिए, किसी भी देवी देवताओं के जो है मूर्ति को नहीं स्पर्श करना चाहिए और न ही वहां पर पूजा करने के लिए जाना चाहिए। उससे बचने के लिए मन ही मन जो है अपने इष्ट देवता का जो है नाम लेना चाहिए, उसका जप करना चाहिए। इसके बाद जो आता है कि ग्रहण के समय किसी भी गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो उसका असर जो है उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर उसका बुरा असर पड़ता है, जिसके कारण जो है उस बच्चे को संस्कार जो है बुरा रहता है। और ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए, और जो भोजन बचा रहता है उस भोजन में जो है तुलसी पात डाल करके रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह आता है कि चंद्र ग्रहण के समय जो है या कोई भी ग्रहण के समय बाहर निकलना चाहिए या नहीं, तो ग्रहण के समय जो है बाहर कदापि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है बुरा असर पृथ्वी पर आता है, उस समय कोई भी हानि हो सकता है। इसलिए अपने घर के अंदर ही रहे और अपने इष्ट देवता का जो है मन ही मन स्मरण करे, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान न करे। उस समय जल तक नहीं ग्रहण करना चाहिए ग्रहण के समय, नहीं तो उसका असर जो है आप लोगों के शरीर पर पड़ सकता है।